लता मंगेशकर जी आप हमारे बीच नहीं हैं। लता मंगेशकर जी 6 फरवरी की सुबह 8:12 पर इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। लता मंगेशकर जी के निधन से काफी ज्यादा गहरे सदमे में डूबा हुआ है पूरा देश। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता, राजनेता, कई राज्य के मुख्यमंत्री कई बड़े ऐलान कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, शोक जाहिर कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे भी गहरे सदमे में डूबे हुए हैं, पल पल अपने दुख को जाहिर करते हुए देखे जा रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए लता मंगेशकर जी की भतीजी के बारे में, दिग्गज अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे के बारे में, पद्मिनी कोल्हापुरे जो अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी है। बता दें आपको, कजिन ब्रदर की बेटी है पद्मिनी कोल्हापुरे, जो लता मंगेशकर जी के साथ बेहतरीन बॉन्ड शेयर किया करती थी। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर जी का एवरग्रीन सॉन्ग, पॉपुलर सॉन्ग ये गलियां ये चौबारा को उन्होंने बीते कुछ समय पहले ही रिक्रिएट किया। उस वक्त लता मंगेशकर जी भी आगे बढ़ी और उनके गाने को प्रमोट करती हुई नजर आई थी। ऐसे में देखा जाए तो अब वह पल पल उन्हें याद कर रही हैं और वह कितने दर्द में है। रिसेंटली उन्होंने अपने दिल के दर्द को भी बयां किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में। रिसेंटली जो झलक देखने को मिली है उनकी, ये झलक हर किसी की आंखों को नम भी कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को गुजरे हुए 3 दिन हो चुके हैं। लता मंगेशकर जी का पूरा ही परिवार इस वक्त गहरे सदमे में डूबा हुआ है। वहीं देश भर में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। लता मंगेशकर जी के गुजर जाने के बाद सेलेब्स अपने दिल के दर्द को बयां कर रहे हैं, कई राज खोलते हुए देखे जा रहे हैं। इसी दौरान देखा जाए तो लता मंगेशकर के परिवार और उनके करीबियों का दर्द भरा हाल भी देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, लता मंगेशकर जी के बेहद करीब रही उनकी भतीजी दिग्गज अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए अपने दिल के दर्द को बयां किया है। पद्मिनी, जो लता मंगेशकर जी के अंतिम दर्शन के दौरान, अंतिम संस्कार के दौरान नजर तक नहीं आई थी। दरअसल पद्मिनी कोल्हापुरे लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर के घर पहुंचने के दौरान उनके घर पर मौजूद थी, लेकिन वह दिखाई नहीं थी। पद्मिनी कोल्हापुरे भी काफी ज्यादा गहरे सदमे में डूबी हुई हैं। वहीं बीते कल वह लता मंगेशकर जी के आवास प्रभु कुंज भी पहुंची। देखिए ये वीडियो। आपने देखा यहाँ पर इस रिपोर्ट में पद्मिनी की हालत भी काफी ज्यादा दर्द भरी नजर आई है। चेहरे पर उदासी देखने को मिली है और वह जल्दी से कार से उतरकर घर के अंदर जाती हुई दिखाई दी है। पद्मिनी रिपीट। पद्मिनी की ये हालत हर किसी को मायूस कर रही है, हर किसी को रुला रही है। इतना ही नहीं, पद्मिनी ने सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर जी की बचपन की खूबसूरत तस्वीर को शेयर किया और कुछ समय पहले की एक प्यारी सी तस्वीर को शेयर किया। और इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, वो दिन अब ना रहे, ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, विल मिस यू दीदी आत्या, I love you। साथ में रेड हार्ट इमोटिक शेयर किया है, लेकिन ब्रोकन हार्ट इमोटिक भी शेयर किया है और हाथ जोड़ते हुए इमोटिक शेयर करती हुई नजर आई हैं पद्मिनी। इस तरह से उन्होंने लता मंगेशकर जी को याद किया है। इतना ही नहीं, अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने रिसेंटली परिवार की हालत भी बताई है। आप सभी ने देखा जाना पद्मिनी कोल्हापुरे के बारे में। पद्मिनी, जिन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ हमेशा ही बेहतरीन बॉन्ड शेयर किया, ना सिर्फ पद्मिनी बल्कि उनकी बहन शिवांगी भी लता मंगेशकर जी के बेहद करीब रहीं और हमेशा ही उन पर प्यार बरसाती हुई नजर आईं। और इस तरह से सोशल मीडिया के जरिए पद्मिनी ने भी अपने दिल के दर्द को बयां किया है। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़।